हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। 9 बजे सो के उठा था, नहा धो के हो चुका हूँ फ्रेश, रेडी, बर्तन वर्तन रात के धो लिए, झाड़ू पोछा सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। और पिछले 2 दिन में ब्लॉग क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि 2 दिन हमारा फ्राइडे और सैटरडे कोई काम नहीं आया, 2 दिन हमने किया रेस्ट, इसके लिए मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं। तो आज है संडे और संडे के दिन हम कर रहे हैं घर पे कुछ एंजॉय। एंजॉय क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉग में। तो चलिए फिर आज के दिन की, आज के ब्लॉग की, संडे की करते हैं शुरुआत। जय श्री महाकाल। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ आज संडे को, हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। ये रही हमारी चाय और इस कुकर में रहे हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं। ये रही हमारी बड़ी वाली मिर्च। प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, हरी मिर्च छोटी चॉप कर ली है, अदरक चॉप कर लिया है, लहसुन चॉप कर लिया है, धनिया चॉप कर लिया है। ये रहा ब्रेड और हम क्या बना रहे हैं, आप लोगों ने मेरे ख्याल से कुछ आइडिया लगा ही लिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। हम बना रहे हैं आज मिर्ची के पकौड़े और साथ में ब्रेड के पकौड़े। एक्चुअली क्या हुआ था कि कल शनिवार था, कल शाम को चला गया मार्केट, मेरे को बड़ी वाली मिर्ची दिख गई, तो मैं कहा चलो मिर्ची फ्राई करके खाएंगे। बट शाम के टाइम पे फिर मेरा मूड हो गया चेंज, मैं कहा मिर्ची के साथ बनाते हैं पकौड़े। तो अभी क्या है कि मिर्ची पकौड़े वगैरह बनाने में लगेगा टाइम, इसलिए चाय हमने बना ली है, थोड़ा थोड़ा चाय पी लेते हैं, अदरवाइज गले में हो जाएगी प्रॉब्लम। तो बनाते हैं मिर्ची के पकौड़े, ब्रेड के पकौड़े, और आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। मैंने सारी चीजें मिर्च वगैरह है इसको धो के और बीच से मैंने कट मार लिया, ये देख सकते हैं, और प्याज, मिर्च, लहसुन और अदरक, धनिया, ये सब मैंने सारी चीजें कर ली है चॉप। आलू मेरे बॉईल हो चुके हैं, बस आलू निकालना है और उसको मारेंगे हम तड़का और मैश करेंगे आलू। आलू मैश करके फिर इस मिर्ची में भरेंगे और ब्रेड में भरेंगे और उसके बाद में बेसन का हम बनाएंगे यहाँ पर इसमें गोल, और गोल बना के उसमें डिप करेंगे, डिप करके करेंगे फ्राई। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, मैंने फ्राई पैन में तेल ले लिया है थोड़ा सा 2 चम्मच और तेल गर्म हो चुका है। अब डालेंगे इसके अंदर जीरा और उसके बाद डालेंगे हम अपनी ये लहसुन जो हमने चॉप करके रखी हुई थी। अब हम इसमें प्याज और जो मिर्च हमने काटी थी और अदरक काटा था उसको स्टेप बाई स्टेप, पहले प्याज और मिर्च, प्याज डाल ली फिर मिर्च डाल ली और उसके बाद में हम डाले हैं अदरक। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करेंगे, ब्राउन करने के बाद में और इसमें होल थोड़ा सा करेंगे मसाला ऐड। मसाला मैं करूंगा चिकन मसाला ऐड इसके अंदर और एक मसाला और ऐड करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ वो ये है अचार को, इससे क्या थोड़ा रहा स्पाइसीपन जो है बढ़ जाता है। मेरे प्याज हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं डालूंगा इसके अंदर में नमक। नमक डालेंगे जो हमारा आलू है, 4 आलू है उसके हिसाब से हम क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। तो मैंने 1/2 चम्मच नमक लिया है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिकन मसाला, थोड़ा सा अचार गोश्त जो मैंने आपको बताया था अभी, और धीमी आंच पे करेंगे नहीं तो अदरवाइज जो हमारे प्याज छोटे छोटे चॉप किए थे ये सारे जल जाएंगे। अब इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे आलू। मसाले हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, अब मैंने इसके अंदर डाल लिया आलू। आलू डालने के बाद इसको करेंगे बढ़िया से मैश करके इसको मिक्स करेंगे पूरा, और बाद में लास्ट में डालेंगे धनिया का पत्ता और उसके बाद में उसको भी मिक्स करेंगे बढ़िया से। तो हमने अपने मसाला आलू वगैरह जो है सारा कर लिया मिक्स, अच्छे से मैश कर लिया, अब इसमें डालेंगे धनिया का पत्ता चॉप किया हुआ बारीक और इसको करेंगे बढ़िया से मिक्स। और आंच रखेंगे हम अपनी गैस रखेंगे स्लो, नहीं तो नीचे हमारे आलू जो होंगे ना वो लगने लगेंगे। अब इसको करेंगे बढ़िया से मिक्स। तो फ्रेंड्स, मेरा जो स्टफिंग थी मेरी हो चुकी है रेडी, और इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर निकाल के, और फिर हम इसको मिर्च में और ब्रेड के साथ में फिल करते हैं। फिल करके उसके बाद में हम अपना बेसन का घोल तैयार करेंगे और डिप करके फिर करते हैं फ्राई। तो हमारा ये देख सकते हैं आप कितना मस्त हो रखा है, और अब इसकी स्टफिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इसका मिर्च का मुंह खोलेंगे और इसके अंदर में हम अपने मसाले जो हैं इसके अंदर कर देंगे फिल। अच्छे से भरेंगे इसके अंदर, ये देख सकते हैं एक हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से हम बाकी के सारे मिर्चे जो हैं हम करेंगे फिल।
फ्रेंड्स हमारी सारी मिर्ची जो हो चुकी है फिल हो चुकी है। अब इसको हम करते हैं साइड में और अब करते हैं ब्रेड में फिलिंग। तो ब्रेड में हम लोग इस तरीके से ब्रेड के ऊपर कर लेंगे अपना जो स्टफिंग हमने तैयार की है उसकी फिलिंग, और दूसरे ब्रेड से हम इसको लगा के प्रेस कर देंगे बढ़िया से, ताकि जब हम इसको बेसन के गोल में डिप करें तो ये खुले ना। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने चारों ब्रेड अपने जो है कर लिए हैं रेडी। और आपने नमक जो डालना है ना स्टफिंग में वो कम ही डालना है, क्योंकि जब आप बेसन का घोल तैयार करेंगे तो उसमें भी आपको हल्का सा नमक डालना होता है। तो हमारा सब कुछ मिर्च और ब्रेड जो हो चुका है रेडी, अब हम बनाते हैं बेसन का घोल। तो लगभग आधा चम्मच, क्योंकि हमारा स्टफिंग में भी नमक पड़ा हुआ है। इसमें डालेंगे हल्का सा अजवाइन और स्वाद भी बढ़ेगा। हल्का सा डालेंगे इसमें चिकन मसाला। मेरे पास सब्जी मसाला ख़त्म हो गया, इसके लिए मैं चिकन मसाला यूज़ कर रहा हूँ, तो आप सब्जी मसाला या गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा घोल हो चुका है रेडी, और आप इसको जितना फेंटेंगे उतना ही बढ़िया होगा ये। जितना फेंटेंगे आप उतना ही क्रिस्पीनेस भी आएगा, और जो आपके दाने दाने रहते हैं बेसन में वो सारे निकल जाएंगे। तो हमारा घोल हो चुका है रेडी, मिर्च भी रेडी हो चुकी थी, ब्रेड भी, और हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल दिया रिफाइंड ऑयल, और इस गर्म होने देते हैं। उसके बाद में एक एक करके हम मिर्च और ब्रेड निकाल तलना चालू करेंगे, और अब इसमें करेंगे मिर्च को डिप। ये रही हमारी मिर्च, और थोड़ा सा थिक ही रखेंगे, और जितना इसको आप फेंटेंगे उतना ये मिर्च के साथ में चिपक के रहेगा। और ये सीधा आप कढ़ाई के अंदर। ये रहे हमारे ब्रेड, और ब्रेड का एक स्लाइस लिया हमने, इसमें किया डिप दोनों साइड से, और डिप करने के बाद में सीधा कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई हमारी छोटी है इसलिए हम एक एक करके ही इसको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो ब्रेड के दो स्लाइस करके बीच में से, और एक करके एक एक करके भी आप फ्राई कर सकते हैं, और चाहे तो आप एक ब्रेड पूरा जो है उसको फ्राई करके बाद में उसके दो दो स्लाइसेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सारा कुछ हमारा हो चुका है रेडी, ब्रेड भी हो चुके हैं, मिर्च भी हो चुकी है रेडी, अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने प्लेटिंग कर ली है। ये रहे हमारे मिर्च के पकौड़े, और ये रहे हमारे ब्रेड के, देख सकते हैं आप काफ़ी सॉफ्ट हैं और क्रिस्पी भी हैं। और हमारी सॉस मेयोनीज और सॉस है हमारे साथ में। ये रही हमारी मिर्च, बड़ी मेहनत के बाद में चेहरा देख रहे होंगे आप किस तरीके का हो गया। तो मिर्च हमारी और ब्रेड के पकोड़े दोनों रेडी हो चुके हैं, अब हम करते हैं एंजॉय। तो फ्रेंड्स बज रहे हैं शाम के 7, और हमने खाना बनाना, रात का डिनर बनाना कर दिया चालू। दिन में तो हम लोगों ने जो वो ब्रेड पकौड़ा मिर्ची पकौड़ा बनाया था वही खा के रह गए, हम लोगों ने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था। इतना ज़्यादा बन गया था कि हम लोग दो बार खाया, दोपहर में भी खाया हम लोग, और बाद में 3-4 बजे भी खाया था। तो अब हम क्या बना रहे हैं रात का डिनर मैं आपको दिखाता हूँ। तो डिनर में आज बन रहा है मेरा ये तड़का वगैरह, मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, और ये रहा पनीर और ये रहा मटर। तो हम बना रहे हैं मटर पनीर की सब्जी, और साथ में निकालेंगे पूड़ी। तो आज ये सब सारी इतनी सारी चीज़ें बनाने का क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली सावन का महीना भी चल रहा है, और ऊपर से आज कुछ अलग ही, मतलब संडे का ऑफ था, दो दिन से काम नहीं किया था हम लोगों ने, तो फुल रेस्ट था। तो आज हम लोग का संडे अच्छे से इंजॉय करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह नहीं जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे तो बिल भी बहुत आता है, और हमारे क्या अभी सैलरी भी लास्ट टाइम चल रहा है, तो सैलरी भी आने वाली है, तो तब हम जाएंगे रेस्टोरेंट। तो इसके लिए हम लोगों ने ये सब चीज़ें आज प्लानिंग की थी, और वाइफ भी मेरी पूछ रही थी आज कि क्या बात है, आज संडे के दिन ब्रेड वगैरह पकौड़े वगैरह पनीर सब एक साथ में बना रहे हैं, तो उसको भी मैंने यही रीजन बताया था। फ्रेंड्स अभी मेरा एक फ्रेंड आया हुआ है मिस्टर महमूद, तो एक साथ वाला लड़का है ना लेबनान का, तो वो जा रहा है दो दिन के बाद में लेबनान,
तो कुछ उसको इंडियन स्पाइस यानी मसाले वगैरह उसको खरीदने हैं। तो उसने उसका कॉल आया कि भाई मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आ जाओ थोड़ा मार्केट, टॉप मार्केट, और मेरे को मसाले वगैरह खरीदवा दो। तो मैं निकल गया हूँ अभी टॉप मार्केट के लिए। फ्रेंड्स हमारा हो गया है मटर पनीर रेडी, और ये साथ में रही पूड़ियाँ हमारी हैं। तो हमारा खाना हो चुका है रेडी, डिनर, और हम करते हैं खाना इन्जॉय, और उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज संडे, पूरा दिन हमारा खाना बनाते खाते ये सब निकल गया। आज हम लोग रेस्टोरेंट का पूरा फुल मज़ा हम लोगों ने लिया है घर पर। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपने काम को लेकर के किसी और नई चीज़ों को लेकर के। तो चलिए आपसे मुलाकात करते हुए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।